मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कमाड़ी में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर शिप्स वगैरह बन रहे हैं, लकड़ियाँ काम हो रहा है। और मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने देखा आकर, और ये नेशनल न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं हूँ, मेरा कैमरामैन मौजूद है, और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से जो है कराची का सफ़र ख़त्म होता है और आगे समुंदर ही समुंदर है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ पर शिपें तैयार हो रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी शिप्स बन रही हैं इसके ऊपर जो लागत आ रही है, एक अगर 40 फीट की कम से कम छोटी जो बोट है अगर उसको बनाने के लिए जाते हैं तो 40 फीट की जो शिप है उसके लिए कम से कम 8 से 10 माह का टाइम लगता है। उसमें 8 बंदे अगर रोज़ से लगें तो फिर ये 8 से 10 माह लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो मजदूरी की जो फीस है, जो एक मजदूर बंदा जो फीस ले रहा है उसकी जो 1500 के करीब है डेली, और अगर कोई उसकी जो कारीगर जो है वो 2000 से 2500 है, और तकरीबन ये आम रूटीन की जो मजदूरी है वही है, और तकरीबन 8 घंटे डेली काम होता है यहाँ पर। अगर 40 से ऊपर अबव जाते हैं तो 110 फीट तक जो फ़िश है, ये जो एरिया जो फ़िश का जो एरिया है इसमें जो बोटें बनती हैं वो 110 फुट तक बोट तैयार होती है, और इसकी जो लागत है वो तकरीबन साल से ऊपर हो जाती है, 1.5 साल से 2 साल तक चली जाती है। और मेरा ख्याल है कि अगर 8 बंदे भी डेली काम कर रहे हैं तो अगर वो 6 माह तक या 8 माह तक एक बोट के ऊपर लगाते हैं तो रोज़गार चलता है। तो बाज़ का सुनने में ये आता है कि किसी टाइम पर ये होता है एक मजदूर यहाँ से छोड़कर दूसरी बोर्ड पे चला जाता है, तो सिलसिला चल रहा है, लोग बड़े खुश हैं यहाँ पर और मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ की बोर्ड के हवाले से, और सारे जितने भी मामला अगर होते हैं तो एसोसिएशन मिलकर हल करती है, और बहुत सारे मामला जो हैं वो इस तरह चल रहे हैं और बोर्ड के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। मैं फुटेज भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि नेशनल न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर जब पहुँची तो यहाँ पर हम लोगों ने लोगों से बातचीत भी की, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मैंने यहाँ के दोस्त हैं उनसे ली है और उनसे पूछा है कि किस तरह मामला चलते हैं और किस तरह। मैंने कोशिश की कि किसी बोर्ड के ऊपर चढ़ जाऊँ लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलने के मुताबिक यही था कि आप किसी बोर्ड के ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि किसी की जिसकी भी बोर्ड है जो बन रही है वो मालिक अगर इजाज़त दे दे तो फिर होता है, वरना नहीं। यानी कि एक बंदा पैसे दे रहा है तो उसकी इजाज़त के बगैर तो किसी घर के आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, ना उसके घर के अंदर जा सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी बोर्ड के ऊपर किसी भी ऑनर की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते, मजदूर जा सकता है या जो कारीगर है वो काम कर सकता है। तो नाज़रीन, मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर आके, और मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आए मेरे साथ चलें। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो वो एरिया जहाँ पर बोर्ड तैयार हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पर समुंदर की हदूद शुरू हो जाती है, और ये वो हदूद है जहाँ से बोट को तैयार करके समुंदर के अंदर छोड़ा जाता है, और वहाँ से फिर आगे जो उसकी जो तैयारी चलती है बोट बनाकर उसके हवाले से वो तैयारी शुरू हो जाती है। और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर आके, मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ है और हम बड़े इस वक्त जो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस वक्त उस जगह पर मौजूद जहाँ पर जो है कराची की हदूद ख़त्म होती है और आगे समुंदर ही समुंदर है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए खुदा।